युवावस्था जीवन का वो पड़ाव है जब कोई इंसान ये तय करता है कि वह किस विधा के माध्यम से देश और समाज के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। इसके लिए युवाओं को सकारात्मक सोच वाले ऐसे मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है जो न केवल ज्ञान के उच्चतम पैमाने पर खरे उतरते हों, बल्कि प्रयोगधर्मी, प्रेरक और प्रगतिशील भी हों। ऐसे ही मार्गदर्शकों के माध्यम से पिछले 58 सालों से देश के भविष्य का निर्माण कर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अकादमिक विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। एक मई 1964 ये वही ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन मौजूदा छत्तीसगढ़ राज्य के पहले विश्वविद्यालय यानी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद शैक्षिक रूप से पिछड़े छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं की विश्वविद्यालय से संबंधित कामों के लिए भाग दौड़ कम हो गई। इसके पहले राज्य के युवा नागपुर और सागर जाते थे क्योंकि उस समय यहाँ के महाविद्यालय नागपुर और सागर के विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के अविस्मरणीय योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रखा गया। वर्ष 1965 में रायपुर शहर के सिविल लाइन स्थित नथानी बिल्डिंग से विश्वविद्यालय का कार्यालय प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद इसे शंकर नगर स्थित मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी साल पहली बार विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं का आयोजन किया। इसमें कुल 14,552 छात्र छात्राएं शामिल हुए। कभी नथानी बिल्डिंग से शिक्षा की टिमटिमाती रोशनी के रूप में शुरू हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आज एक मशाल का रूप ले चुका है। यह मशाल आज शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का मार्गदर्शन कर रही है। विश्वविद्यालय ने लगभग हर क्षेत्र में विकास के पंख फैलाए। आज विश्वविद्यालय परिसर सिंचाई विभाग के भवन से स्थानांतरित होकर आमानाका स्थित अपने स्वयं की करीब 301 एकड़ भूमि तक विस्तारित हो गया है। हरियाली से आच्छादित विश्वविद्यालय परिसर में प्रकृति और शिक्षा का अद्भुत संगम है। शुरुआत में विश्वविद्यालय से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 5 जिलों के 34 महाविद्यालय संबद्ध थे, लेकिन आज विश्वविद्यालय से जुड़े सरकारी और निजी महाविद्यालयों की संख्या 149 है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या भी 14,552 से बढ़कर 2,10,000 से ज्यादा हो गई है। पाठ्यक्रमों की संख्या भी 15 से बढ़कर 69 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एक वट वृक्ष के समान है। राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से ही बने हैं। इनमें बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, दुर्ग का स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, बस्तर का शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, दुर्ग का हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर का ही कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक आयोजनों के माध्यम से अपनी एक अलग साख बनाई है। विश्वविद्यालय अपने सफर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, दीक्षांत समारोह का गरिमामय आयोजन निरंतर करते आ रहा है। स्थापना के साथ ही देश की सर्वश्रेष्ठ हस्तियों का विश्वविद्यालय को साथ मिलता रहा। 2 जुलाई 1965 को विज्ञान महाविद्यालय में
विश्वविद्यालय के अध्यापन कक्ष का शुभारंभ तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके बाद दीक्षांत समारोह में देश के प्रमुख एवं प्रबुद्ध जनों का विश्वविद्यालय में आने का क्रम जारी रहा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए 28 जनवरी 2004 की तिथि ऐतिहासिक है। यही वो दिन है जब विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विज्ञान विषय पर अपना सार गर्भित व्याख्यान दिया। इसके बाद 11वें दीक्षांत समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ा दिया। सत्र 2013-14 विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 26 जुलाई 2014 को इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त बौद्ध धर्म गुरु श्री दलाई लामा ने शामिल होकर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया। स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर ही विश्वविद्यालय के कुल गीत की रचना की गई। इसे खैरागढ़ के डॉक्टर जीवन यदु राही ने रचा है। विश्वविद्यालय में वर्ष 2019 में 27 दिसंबर को आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की 102वीं वार्षिक सभा का शुभारंभ उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया। विश्वविद्यालय ने हमेशा से ही आधुनिक तकनीक को स्वीकारने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रायपुर शहर में सबसे पहले यदि कोई फोटोकॉपी मशीन आई तो वह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। आज भले ही हर गली मोहल्ले में फोटोकॉपी मशीन दिख जाए, लेकिन जब 1977 में यह मशीन विश्वविद्यालय में आई थी तो यह लोगों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने माइक्रोफिल्म रीडर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आदि को भी अपनाया, जो अपने समय में पहले थे। आधुनिक तकनीक के साथ कदम ताल कर रहे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज शिक्षण का कार्य भी स्मार्ट तरीके से हो रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में 39 स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय हाई पावर कंप्यूटर सिस्टम स्थापित करने जा रहा है। इससे छात्रों को शोध कार्य के दौरान डाटा एनालिसिस में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय का कैंपस एरिया नेटवर्क इतना मजबूत है कि इससे एक समय में 3,500 यूजर एक साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के सभी विभागों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं। इनमें नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ NMR, FTIR, AAS जैसे अत्याधुनिक उपकरण हैं। विगत दिनों विभिन्न अध्ययन शालाओं को लगभग 4 करोड़ के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो विज्ञान की अलग अलग विधाओं में उपयोगी होते हैं। इनका लाभ न केवल विश्वविद्यालय बल्कि अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं भी उठाते हैं। विश्वविद्यालय में एक ऐसी मशीन भी है जिसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मैजिंग सिस्टम कहते हैं। यह मध्य भारत का एकमात्र उपकरण है जो भूमि के 100 मीटर अंदर जाकर वहां मौजूद खनिज, भूजल आदि की स्थिति को बताता है। इस उपकरण के कारण निजी कंपनियां भी भूमि से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करती हैं। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित खगोल भौतिक प्रयोगशाला अपने आप में अद्भुत है। यहाँ तारों, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी राज्य की सबसे बड़ी और व्यवस्थित लाइब्रेरी है। इसका नामकरण देश के ख्यातिनाम साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर किया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इस लाइब्रेरी की भी स्थापना हुई। आज इस लाइब्रेरी में कुल 1,78,357 पुस्तकें हैं। इसके अलावा 24,924 शोध ग्रंथ एवं 7,000 से अधिक प्रिंट एवं ई शोध पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। 80 के दशक में लाइब्रेरी देश के चुनिंदा ग्रंथालयों में शामिल होकर इन्फिलिबिनेट सेंटर अहमदाबाद से जुड़ गई। इसके बाद लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई।
यह ग्रंथालय देश की उन 18 लाइब्रेरी में शामिल है जो विश्व बैंक की ई लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है। यह लाइब्रेरी देश के 13 सेंसस वर्क स्टेशन में से एक है। इसके अलावा लाइब्रेरी में दृष्टि बाधित छात्रों के लिए ब्रेल प्रिंटर, स्कैनर और टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। विश्वविद्यालय केवल शैक्षिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने छात्रों को बेहतर रोजगार देने के लिए भी गंभीर प्रयास में संलग्न है। इसके लिए वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय परिसर में प्लेसमेंट सेल और करियर गाइडेंस सेल की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय का यह प्रयास सफलता के सोपान लगातार तय कर रहा है। प्लेसमेंट सेल के माध्यम से छात्र छात्राओं को अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, TCS, ICICI, HDFC, CG, SRLM, अल्ट्राटेक आदि में रोजगार दिलाया जा चुका है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और अडानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से छात्र छात्राओं को लगातार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और रोजगार दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का करियर गाइडेंस सेल छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी दे रहा है। फार्मेसी विभाग के माध्यम से भी छात्र छात्राओं को रोजगार की सुविधा मिल रही है। विश्वविद्यालय परिवार छात्र छात्राओं के रोजगार को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिसर में UGC की योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में रोजगार हेतु कोचिंग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित दो कोचिंग, कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोचिंग, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग और नेट की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 55 साल बाद एक ऐसा आयोजन किया जो विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ। 2 अप्रैल 2018 को विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व संभालने के 10 महीने के भीतर ही प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा ने इस आयोजन को मूर्त रूप दे दिया। 22 से 26 फरवरी 2018 तक चले 12वें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में न केवल भारत बल्कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 586 प्रतिभागी शामिल हुए। आज भी जब विश्वविद्यालय के बड़े आयोजनों की बात होती है तो 12वें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी फेस्टिवल को नंबर एक पर रखा जाता है। मौजूदा कुलपति प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा के संरक्षण में पिछले 3 सालों से स्तरीय आयोजनों के माध्यम से विश्वविद्यालय अपने सम्मान में वृद्धि कर रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आज देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में से एक है। शिक्षा के बेहतरीन वातावरण के अलावा विश्वविद्यालय परिसर नशा मुक्त, रैगिंग फ्री, एनर्जी सेविंग, पूर्ण रूप से वाईफाई, टेक्नो फ्रेंडली है। इसके अलावा जीरो डिस्चार्ज करने वाला ग्रीन कैंपस है। विश्वविद्यालय 69 कोर्स संचालित कर रहा है। राज्य के 149 सरकारी और निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इन महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 91,513 है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक विश्वविद्यालय से 4,190 छात्र PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित 30 अध्ययन शालाओं में लगभग 3,500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 6 करोड़ के 43 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि छात्र हित में किए गए MOU की संख्या 38 है। UGC के कोर्स के अलावा विश्वविद्यालय की अध्ययन शालाओं में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर्स भी संचालित हो रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से देश भर के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्ष भर संचालित रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, कार्यशाला, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम आदि में भी विभिन्न राज्यों के शिक्षक प्रतिभागी होते हैं। इसके अतिरिक्त
यहाँ साइकोलॉजी का नेशनल रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ देश भर के शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स करने की सुविधा मिल रही है। विश्वविद्यालय खेल गतिविधियों को लेकर भी सजग है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के अलावा कोटा स्थित स्टेडियम में तमाम खेलों के प्रशिक्षण की आधुनिकतम व्यवस्था है। इनमें ट्रैक एंड फील्ड की व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। यहाँ एक आधुनिक जिम भी है। यानी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शैक्षिक वातावरण से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्च मानदंडों को पूरा करते हुए निरंतर प्रगति पर अग्रसर, अपने छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उन्हें काबिल भी बना रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें अवसर देने की, इसीलिए उच्च शिक्षा के लिए अवसर, खेल कूद के लिए अवसर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी हो इसके लिए अवसर, और ऐसे ही सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि हम एक सक्षम नागरिक तैयार कर सकें। विश्वविद्यालय हमेशा प्रयास करें।